हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये है आपका रसायन शास्त्र का वीडियो। इसमें जैसो रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जैसो बताया जाएगा। इसमें जैसो 20 रसायन शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसो दिया जा रहा है, जिसको जैसो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो वीडियो को जैसो ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर जैसो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जैसो आप लोग जा करके देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है, ये जो है सो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये जो है सो अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से जो है सो अमोनिया गैस बनाया जाता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। और अमोनिया गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की पापड़ी के विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी की पापड़ी के विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सो पृथ्वी की पापड़ी के विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी निश्चित तापमान पर स्थानांतरित विलयन कैसा होता है। किसी निश्चित तापमान पर स्थानांतरित विलयन कैसा होता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ये जो है सो और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ ऐसा हो जाता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि और जो है सो अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ, जिसको जो है सो घोला नहीं जा सकता, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये ठोस टाइप से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है, तो ये जो है सो आपको याद रखना होगा कि ये जो है सो सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होता है। सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, ये जो है सो अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें जो है सो सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूने के जल में क्या होता है। चूने के जल में, यानी चूने के जल को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर में जो है सो क्या होता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा जाता है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा जाता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण के कारण जो है सो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में जो है सो लाया जाता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, इसके जो है सो बनने से जो है सो लोहे के वस्तु में जो है सो जंग लग जाता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। रासायनिक तौर पे जो है सो हीरा क्या है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, शुद्ध कार्बन। रासायनिक तौर पे जो है सो हीरा जो है सो शुद्ध कार्बन है, जिसको हम प्योर कार्बन भी बोलते हैं, तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। दो विलयनों को कब जो है सो आइसोटोनिक कहा जाता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, जब उनका जो है सो प्रसरण दाब समान हो, यानी कि जब जो है सो उनका
ऑस्मोटिक दाब जो है सो समान होगा, तब जो है सो दो विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाएगा। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या है? गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का जो है सो रूप क्या है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, तरल, यानी कि ये जो है सो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल को हम इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, वो गैस जो होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी कि तरल में रहता है। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस जो है सो वो किसका मिश्रण है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है सो मिश्रण है रसोई गैस। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी कि इसको क्या बोले, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सो हमारे वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है? पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है सो पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में जो है सो रहता है। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं वो है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ड्राई आइस का जो है सो प्रयोग रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है? नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है सो नींबू तथा संतरे में जो है सो पाया जाता है। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है? जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन जिसको हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, किस प्रक्रिया से होता है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, फिल्टरन। फिल्टरन से जो है सो जल का शोधन होता है, यानी कि प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो ये जो है आपको याद रखना है, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सो शैलों तथा खनिजों में जो है सो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है? घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है? तो ये जो है आपको याद रखना है, मीथेन। मीथेन जो है सो घरेलू ईंधन के रूप में जो है सो काम में लाने वाली गैस है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो ये जो है सो सल्फर डाइऑक्साइड में होता है। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड में जो सो जलीय विलयन का जो सो तेज अम्लीय गुण होता है। तो ये जो सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उसको भी हेल्प मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, टेस्ट जो है सो उसी हिसाब से होगा, फ्राइडे को और मंडे को। इस बार छूट गई है तो अगले बार से जो है सो एकदम टाइम पे होगा, बिल्कुल जो टाइम है उसी टाइम में होगा, यानी कि सुबह 8 बजे ही होगा। तो ये भी जो है सब लोग ध्यान में रखिएगा और
पुराना वीडियो जो है सो रिविजन करते रहिएगा, जिससे जो सो आप लोग टेस्ट में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।